देहरादून में लचर न्याय व्यवस्था समेत अन्य मसलों पर नाराज चल रहे प्रदेश भर के अधिवक्ता आज से 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्षों और सचिवों की हुई हरिद्वार में बैठक के बाद दून बार एसोसिएशन में वरिष्ठ पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने बैठक करते हुए हाउस को 3 दिनों की कार्य बहिष्कार से अवगत कराया है। अध्यक्ष दून बार एसोसिएशन के मुताबिक कई मामलों पर लंबे समय से मांगों पर अधिवक्ता समाज में नाराजगी है, जिसके मद्देनजर 3 दिनों तक प्रदेश में कार्य बहिष्कार का फैसला लिया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग चीड़ खनन और जंगली जानवरों से जुड़े प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने जा रहा है। विभागीय मंत्री दिनेश अग्रवाल ने आला अफसरों की टीम गठित कर दी है, जो 15 दिनों में 3 प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसके मद्देनजर मंत्री ने विधानसभा के अपने कार्यालय में विभागीय अफसरों की अहम मीटिंग ली। बता दें कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सामने बात रखी थी, जिसके तहत चीड़ के जंगल को कम करने, नदियों की सिल्ट और जंगली जानवरों में फसलों को नुकसान शामिल है। अग्रवाल का कहना है कि विभाग एक पखवाड़े के लिए प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को देगा। अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सीएम के जिले बनाने के बयान को लेकर पलटवार किया है और कहा कि माफी बीजेपी को नहीं मांगनी चाहिए बल्कि सीएम को मांगनी चाहिए। सुरेश जोशी ने कहा कि बीजेपी की ओर से जिलों की स्वीकृति की गई, पर केंद्र में कांग्रेस सरकार ने उनको वित्तीय स्वीकृति नहीं दी, जबकि मुख्यमंत्री जिले बनाए तो बीजेपी उनके साथ। सुबह में लगातार हो रही बारिश के बाद जहां उधमसिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा जनपद में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, तो वही खटीमा के यूपी सीमा से लगे दुरुस्त गांव ढाकी में दून डैम से छोड़े जा रहे पानी से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर तहसील प्रशासन ने ढाकी गांव में बाढ़ के खतरे की संभावना को देखते हुए राहत कार्य शुरू कर दिए। सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में शासन के अधिकारियों की नाबार्ड के साथ बैठक हुई। नाबार्ड पोषित बजट के विभागावार आवंटन पर विस्तृत चर्चा की गई। बताया गया कि नाबार्ड से प्रदेश को लगभग 1200 करोड़ रुपए का पोषण होना है, जिसमें नाबार्ड और प्रदेश में 70-30 का अनुपात होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं में विविधता को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी योजना चयनित की जाए जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और ग्रामीणों की आजीविका का आधार बने। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन सेक्टर पर विशेष ध्यान देना होगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर आवास योजना को सीएम ने लॉन्च कर दिया है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक के समय मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपाध्यक्ष एमडीडीए आर मीनाक्षी सुंदरम की मौजूदगी में पहले योजना की जानकारी ली और फिर बेहतर एमआईटी योजना बताकर सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए योजना को लॉन्च किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने विधानसभा और लोकसभा सीटों को बढ़ाने की मांग क्या की, वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सुमंधियानी ने किशोर उपाध्याय पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदेश में परिसीमन हो रहा था तब कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन में सीटें बढ़ने नहीं दी। उनके अनुसार किशोर उपाध्याय ने इस बहस को शुरू किया है तो उन्हें अब हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। राज्य में हुई भारी बारिश और अगले 72 घंटों तक मौसम विभाग के अलर्ट के बीच आईजी संजय गुंजियाल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसडीआरएफ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए गुंजियाल ने कहा कि अगले अलर्ट के मद्देनजर अधिकारियों को और चुस्त रहना होगा, क्योंकि बारिश के चलते पहाड़ों और ज्यादा कमजोर हो गए हैं, स्लाइडिंग जोन बन गए हैं। आईजी संजय गुंजियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि लगातार फंसे हुए यात्रियों को निकालने का काम जारी है। 27 जून को पटेल नगर में अगवा ओम प्रकाश की गुमशुदगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने ओम प्रकाश की लाश बरामद की। ओम प्रकाश को कर्ज न चुका पाने के चलते मौत घाट उतार दिया गया और शव को छिपा दिया गया। पुलिस ने फिलहाल शव बरामद कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल वाहन के साथ जॉनी नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बैठक बीच घोटाले में अरज सिंह रावत के बयान पलटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम और किशोर उपाध्याय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैसे तो सच्चाई अभी सभी के सामने आ गई है और उत्तराखंड की जनता ने उसे देख भी लिया है, लेकिन अपर प्रदेश सरकार अपनी भी जांच को लेकर अड़ी हुई है, तो सरकार चाहे मामले की सीबीआई से जांच करा ले, मैं भी तैयार हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के खिलाफ किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है, जबकि किशोर उपाध्याय ने बयान दिया था कि उत्तराखंड सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और गन्ना किसानों का ज्यादातर भुगतान कर दिया गया। इस बयान के आते ही किसानों का गुस्सा भड़क गया। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर किशोर उपाध्याय ने अपना बयान वापस ना लिया तो किसान यूनियन काली झंडी दिखाकर किशोर उपाध्याय का विरोध करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में देहरादून महानगर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। बैठक में देहरादून महानगर से जुड़े नेता पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार इस समय जरूरत की इस बात की है कि सभी लोग मिलजुल कर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएं।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेडिकल सीट भर्ती घोटाले में नियुक्त जांच अधिकारी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि खुद आईएसएस अधिकारी डॉक्टर रंजीत सिन्हा की छवि दागदार नहीं कर रही। टीडी में डीएम रहते भू आवंटन घोटाले में उनकी संलिप्तता की जांच में उनकी भूमिका पर सवाल उठे। पिथौरागढ़ जिले में कल शाम से हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन पटरी से उतर गया है। वहीं नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों को जोन और सेक्टर में बांट दिया है। समाचार पर खबर का एक बार फिर असर हुआ है। दरअसल मानसूनी बारिश ने पिथौरागढ़ जिला अस्पताल की पोल खोल दी थी। समाचार पर खबर चलने के बाद विभिन्न संगठनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। नैनीताल में कल शाम 5 बजे से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते शहर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में भूस्खलन के चलते पानी सैकड़ों मकानों के भीतर तक पहुंच गया है। बीती शाम माल रोड में आए मलबे के बाद लालों का मलबा और पानी सड़क पर आ गया। दर्जनों की संख्या में वृक्ष गिर गए।